देखिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जहां पर कुछ पेंशनर्स जो है वो परेशान है। उनका क्वेश्चन ये है कि क्या अप्रैल का पेंशन जो है वो मई में आएगा। अब यहाँ पर दो सिचुएशन है, जिनका डेटा स्पर्स में माइग्रेट हो गया है तो उनका तो स्पर्स से पेंशन आता है, और जिनका डेटा स्पर्स में माइग्रेट नहीं हुआ है उनका पेंशन अभी तक बैंक से आ रहा है। तो देखिये यहाँ पर ये जो कंफ्यूजन अराइज हो रहा है कि चाहे वो स्पर्स से पेंशन ले रहे हो या फिर बैंक से पेंशन ले रहे हो, तो उनका जो अप्रैल का पेंशन है वो क्या मई में आएगा, वो इसलिए ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आपका जो पेंशन जो पिछले महीने मार्च का पेंशन था वो आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिला था। तो इस चीज को देखिए आप बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि ऑलरेडी हर साल आप ये पेंशन रिसीव कर रहे हैं। तो जो अप्रैल का महीना होता है, मार्च का जो पेंशन होता है वो अप्रैल में इसलिए जाता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है इट मींस कि एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो जो 31 मार्च को कंप्लीट होता है फाइनेंशियल ईयर, इसलिए उसका पेंशन जो है वो आपको 2-3 अप्रैल तक देखने को मिलता है। तो वहां पर जो रीजन होता है वो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का होता है। अब इसका ये कभी मतलब नहीं है कि अप्रैल का पेंशन जो है वो आपको मई में मिलेगा। यहां पर अप्रैल का पेंशन आपको अप्रैल में ही मिलेगा और आप लास्ट अप्रैल तक 29 या 30 अप्रैल तक डेफिनेटली क्रेडिट हो जाएगा, चाहे वो आप स्पर्स पेंशन से पोर्टल से ले रहे हो अपना पेंशन या फिर बैंक से ले रहे हो, दोनों ही केस में आपका अप्रैल का पेंशन 29-30 अप्रैल तक मिल जाएगा। अब यहां पर एक छोटी सी चीज और है, वो है आपके डीआर से रिलेटेड। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था कि जो आपका बेसिक पेंशन है उस पर आपको 38% तक का डीए मिल रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि जो 1 जनवरी से लागू हुआ है वो 38% से बढ़ करके 42% हो गया है। तो अब जिन लोगों का पेंशन स्पर्स से आ रहा है उनका ये कहना है कि उनको अभी तक 42% का डीए नहीं मिला है। तो आप प्रोबेबली यहां पर देख सकते हैं मे बी ऐसे चांसेस है कि जो इस बार आपका पेंशन आएगा अप्रैल में उसमें आपको 42% डीए भी देखने को मिलेगा। वैसे 42% डीए और डीआर को बढ़ा करके आपका पेंशन कितना बनेगा, देखिए इसको हमने टेबल के माध्यम से बहुत ही क्लियरली बताया हुआ है, यानी कि सिपाही, नायक, हवलदार, सुबदार मेजर, जेसीओ, सारे रैंक्स का एनालिसिस किया है और हमने हर एक रैंक को एनालिसिस कर करके हमने आपको 42% डीए को कैलकुलेट किया है, बेसिक पेंशन के साथ ऐड किया, और उसके बाद हमने ऑलरेडी टेबल के माध्यम से आपको बताया हुआ है कि आपको एक्चुअल पेंशन कितना मिलेगा। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो पता ही है, चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेट हो या स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉग इन करना हो, हर एक चीजें हमने आपको प्रैक्टिकली बताई हुई है सो दैट कि आप खुद से उसे ऑपरेट कर सके। तो यहां पर कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। वैसे अगर आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में आते हैं तो आपको पता है कि spurs.defensepension.gov.in ये स्पर्स पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से ओपन कर सकते हैं और इसे आप आसानी से लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको बस स्पर्स का यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना होता है। नीचे में आपको कैप्चा कोड देना है। कैप्चा कोड देने के बाद जस्ट आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अब यहां पर जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको पेंशन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है कि आपको किस महीने का पेंशन कितना मिला, कब मिला, नहीं मिला, सारी चीजें आप अपना पेंशन स्लिप में देख सकते हैं। उसके नीचे लाइफ सर्टिफिकेट, ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट, अपडेट पर्सनल डिटेल, सारे ऑप्शंस आपको एक जगह पे मिलेगा। और जो लोग प्री 2016 पेंशनर थे, यानी कि 2016 से पहले के रिटायर्ड पेंशनर थे, उनको यहां लेफ्ट साइड में भी ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस स्पर्स पेंशन पोर्टल पर आपको ये सारे ऑप्शंस भी दिखेंगे, चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, माई प्रोफाइल, जो आप कंप्लेन लोज करते हैं, ग्रेवियंस से रिलेटेड, माई डॉक्यूमेंट्स, सर्विस रिक्वेस्ट, सारी चीजें आपको एक जगह पर देखने को मिलता है। तो यहां से अगर आप पेंशन स्लिप पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर पेंशन स्लिप, पेंशनर पीपीओ, पेंशनर कॉरिजेंडम पीपीओ, पेंशन एंटाइटलमेंट डिक्लेरेशन, फॉर्म 16, सारी चीजों को आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख ही सकते हैं, यहां पर आपका मंथ शो हो रहा है। तो अभी जो अप्रैल मंथ का आपको पेंशन आएगा, आप जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो जो आपको पेंशन मिला हुआ है वो आपको यहां पर शो हो जाएगा। अभी हमारे पास अप्रैल का पेंशन नहीं आया है इसलिए यहां पर ये ब्लैंक आ रहा है, लेकिन आप जैसे ही यहां पर अगर आप मार्च सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप यहां पर देख ही सकते हैं,
और यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद जस्ट सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका पेंशन स्लिप जो है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है, आप खुद से इसे चेक कर सकते हैं। वैसे कैसी लगी आपको ये जानकारी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआरकम प्रणाम सस्ते अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।